नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वक्त मौजूद हैं हम देवसर मोड़ पर, और देवसर मोड़ पर आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। यहां पर एक जो गद्दे की फैक्ट्री बताई गई है, इसमें आग लग गई थी और यहां पर काफ़ी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकते कितना नुकसान हुआ है, लेकिन भारी नुकसान बताया गया है यहाँ हुआ है। किस प्रकार से आग लगी है उससे के कारणों का भी अभी पता नहीं लग पाया है। आप देख सकते हैं आग किस प्रकार से सब कुछ जलकर राख हो गया है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, और देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। साथ में ये गोदाम है, इसमें से भी बारदाने का गोदाम है, इसमें से भी लोग कारीगर सामान को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बारदाना भी कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, और आखिर आग किस प्रकार से लगी। काफी हालांकि जनहानि की अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन बताया गया है कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। धुएं के कारण लोग बेहोश हुए हैं, उनको भिवानी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। भारी धुएं का गुबार है। काफ़ी गाड़ी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज भी लड़ाई होगी, थोड़ी देर में काबू हो जाए। अंदर कुछ लोग होने की भी नहीं, ऐसा कोई अभी तो वर्कर सभी सेफ है। हाँ, माल का नुकसान के पड़ोस में ये आग लगी है जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लगी है पता है कुछ? ऐसा है कि दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे अचानक हमने निकलने घर पे काम कर रहे थे, देखा एकदम धुआं गुब्बार उठ रहे, ऊपर तक आग जा रही थी और यह भयंकर आग लगी। हम सोचे कि यहाँ के पास में यानी कि गिट्टे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है, फिर जब जाके देखा तो ये पता लगा कि ये तो गद्दे वाली फैक्ट्री में लगी हुई है। बहुत भयंकर आग चारों तरफ से, काफ़ी उन्होंने पशुपालन रखे थे हमें भैया, वो भी यानी इसमें जल गई है, और कईयों को वैसे चोट भी लगी है भागे दौड़ के अंदर, उनको एम्बुलेंस के जरिए उनको ले जाया गया है। और यहाँ पर भयंकर चारों तरफ से पब्लिक और रोड जाम हो गया, चारों तरफ से तमाशा भी देखने लग गए। काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की, साइड में लगने वाली एक दाना फैक्ट्री थी उसके अंदर कट्टे रखे हुए थे, आग इस फैक्ट्री में से निकल के वहाँ तक भी फैल गई और काफ़ी यानी उनको भी नुकसान हुआ है, और चारों तरफ से हाहाकार मच गया। पशु प्रेम पक्षी इतना यानी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि शायद ये धुआं नारनौल महेंद्रगढ़ को पार करके राजस्थान तक भी सांस के